जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, CISA PSI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज है आपका जो क्लास लेके आए हैं आप लोगों का सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 6। देखिए इसमें क्या है, हम सब्जेक्ट वाइज क्लास में इसलिए लेके आए हैं, आपका जो आज का जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट है आपका CISA PSI LDC का, जो आपका जो CISA Act and Rule संबंधित जितना भी क्वेश्चन आते हैं उसी क्वेश्चन को आपको पढ़ाएंगे। इसमें क्या करेंगे आपको, इसमें करेंगे आपको मतलब जैसे आपका जैसे CISA का एक्ट एंड रूल पढ़ते हैं आप, जैसे किताब से पढ़ते हैं, किताब से आप क्या है उसमें लैंग्वेज बहुत हार्ड लैंग्वेज दिया हुआ है, आपको समझ में नहीं आता है, जो हिंदी बैकग्राउंड से नहीं है उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, हिंदी वाले को भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको पढ़ने में। इसलिए हमने क्या है एक आसान भाषाओं में, एक आसान लैंग्वेज में, कि जैसे हम लोग जिस लैंग्वेज में बात करते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे ताकि आपका दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। देखिए हम भी सोचे थे कि आपको प्रीवियस ईयर का एक दो सेट करा देंगे, 20-30 क्वेश्चन करा देंगे, 50 क्वेश्चन करा देंगे, करा के क्या करेंगे मतलब कंप्लीट कर देंगे, मगर नहीं, मेरा टारगेट है कि आप जाने तो इसको जड़ से जाने, ताकि आपको जब आपको डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को भी आप फेस कर पाए। इसीलिए क्या है एक्ट एंड रूल को हम ब्रीफली पढ़ाएंगे, पूरा खोल के पढ़ाएंगे, पूरा व्याख्या के साथ पढ़ाएंगे। तो देखिए क्लास शुरू करने से पहले, जैसे जो अभी तक हमारे साथ में टेलीग्राम पेड कोर्स में मतलब ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है इस नंबर में फ़ोन करके हमारे साथ जो पेड जो टेलीग्राम कोर्स है उसमें जुड़ सकते हैं। उसको जुड़ने के लिए क्या है प्रोसेस, आपको 250 रुपया फ़ोनपे करना है, ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर में, और फ़ोनपे करने के बाद जो आपका स्क्रीन शॉट होगा वो स्क्रीन शॉट को लेके ये जो नंबर सेम नंबर दिया है इसी में व्हाट्सअप करना है, और व्हाट्सअप करने के बाद क्या करना है आपका नाम दे देना है और साथ में आपका टेलीग्राम नंबर दे देना है, तो आपको क्या कर दिया जाएगा आपको टेलीग्राम पेड कोर्स में जोड़ दिया जाएगा। जुड़ने के बाद जितना भी अभी तक क्लास हुआ है पूरा क्लास आपको मिल जाएगा, और एग्जाम तक आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने का जरूरत नहीं, अर्थात एक बार 250 रुपया पे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए ये जो क्लास है CISA एक्ट एंड रूल संबंधित क्लास है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो मैं बोलूँगा आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि पेन पेपर लेके बैठेंगे नोट करेंगे तभी आप ही लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए मैं इसका PDF तो आपको दे सकता हूँ, मगर क्या है PDF में मैं जो बात आपको बोलूँगा वो बात क्या है आपको इस PDF में नहीं मिलेगा, इसीलिए आप नोट करते जाइए, और मैं बोलूँगा भी बहुत धीरे धीरे बोलूँगा ताकि आपको नोट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए CISA एक्ट एंड रूल है हमारा सब्जेक्ट, तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे एक्ट पढ़ेंगे, और उसका जो सब्जेक्ट अर्थात उसका विषय क्या है, अर्थात हमारा अधिनियम संख्या कितना है, और उसका अधिनियम जो बोले हैं उस अधिनियम में क्या विषय है, उसका क्या बोले हैं उसका बारे में ब्रीफली डिस्कशन। चलिए इसको मतलब पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए तो ये जो एक्ट एंड रूल कैसे बना इसका हिस्ट्री संबंध सबसे पहले आपको पता होना है, तो उसका हिस्ट्री सबसे पहले हम जानते हैं, उसके बाद क्या करेंगे आपका क्लास में हम आपका इसमें जो ये आपका दिया हुआ है इसको पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को पहले जानते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम आपको एक कहानी बताएंगे, उस कहानी को आप सबसे पहले याद रखिएगा। देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISA को क्या बोलता है, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है। ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का जो गठन हुआ था ना, जो गठन हुआ था, देखिए गठन होने से पहले, ठीक है, गठन होने से पहले क्या है जो आपका, देखिए बहुत सारा जो केंद्रीय जो आपका जो सार्वजनिक औद्योगिक केंद्रीय हो या सार्वजनिक प्रतिष्ठान जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हो या जैसे मतलब एक तरफ से प्राइवेट हो, सरकारी हो, पब्लिक हो, सभी में क्या जो सुरक्षा उसमें जो आपका प्रतिष्ठान था उस प्रतिष्ठान में क्या है जो सुरक्षा का जो काम करते थे ना, जो सुरक्षा का काम कौन करते थे, सुरक्षा का काम करते थे जैसे जो संगठन होता था उस संगठन का कोई जैसे निजी कोई जैसे कोई निजी मतलब निजी कोई मतलब सिक्योरिटी अर्थात कोई निजी मतलब कोई जैसे सुरक्षाकर्मी या सुरक्षा एजेंसी या जैसे कोई किसी जगह का कोई स्टेट पुलिस, ठीक है,
अगर किसी जगह का स्टेट पुलिस, तो एक चीज़ पता लग गया कि CISF का गठन होने से पहले जितना भी हमारा जो कारखाना था, अर्थात जैसे हम प्लांट बोलेंगे, जितना भी प्लांट था उसमें क्या जो सुरक्षा, जो आपका सुरक्षा जो कर्मी था वो क्या था, जैसे कोई एक, जैसे किसी किसी प्लेस में क्या था, कोई आपका स्टेट पुलिस था और किसी जगह में नॉर्मल जो आपका जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो नॉर्मल आपका सिक्योरिटी गार्ड था, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जो मतलब 1964, ठीक है, 1964 में जो रांची स्थित, अर्थात उस टाइम जो 1964 में क्या था, रांची था बिहार में, तो रांची में ये मतलब एक जो आपका कारखाना था, मतलब एक रांची का क्या था, एक कारखाना मतलब एक औद्योगिक मतलब प्रतिष्ठान था, जिसको बोलता है कि आपका भारत, देखिए मेरे साथ नोट कर लीजिएगा, भारत हैवी, ठीक है, भारत हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। तो आप इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को लिख लीजिएगा, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, देखिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, CORP कॉरपोरेशन, ठीक है। तो क्या है, 1964 में रांची स्थित एक क्या है, भारत हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में क्या होता है, मतलब एक तोड़फोड़ होता है, ठीक है, मतलब एक क्या हुआ, एक छोटा सा दंगा होता है, और उस दंगा के फलस्वरूप, मतलब जैसे दंगा आपका हो गया, दंगा के फलस्वरूप क्या होता है, दंगाबाजों ने क्या किया, जो आपका रांची स्थित जो आपका भारत हैवी, मतलब भारत जो हैवी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन में क्या करता है, दंगा का फलस्वरूप करता है क्या, कि उसमें आग लगा देता है, ठीक है। और आग लगा देता है तो इसमें क्या होता है, जैसे आग लगा दिया तो इसमें क्या हुआ, आग लगाने के बाद बहुत आपका लॉस हो गया, प्लांट का बहुत लॉस हो गया, मतलब सरकार का बहुत लॉस हो गया। तो उस टाइम ने क्या किया, केंद्रीय सरकार जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट इसी चीज़ का जांच करने के लिए, अर्थात कैसे हुआ ये जो तोड़फोड़, ये आग जो लग गया, ये किस कारण से हुआ, इसके लिए एक क्या किया, एक जाँच कमेटी का गठन किया। और उस जाँच कमेटी में एक व्यक्ति का नाम बहुत मतलब जुड़ा हुआ है, जो CISF को गठन करने के लिए बहुत अच्छा भूमिका रखता है, वो है आपका न्यायमूर्ति बी मुखर्जी, ठीक है, न्यायमूर्ति बी मुखर्जी का जो योगदान है बहुत ज़्यादा है। तो कभी कभी आपको पूछ लेता है न्यायमूर्ति बी मुखर्जी के बारे में, तो उसका भी हम बाद में आपको बता देंगे, तो कहानी कब सुनते जाइए। तो क्या हुआ, बी मुखर्जी क्या है, मतलब एक सदस्यीय जांच कमेटी बैठता है, उसमें बी मुखर्जी उसका अध्यक्ष था, उन्होंने जब जांच किया, जांच करने के बाद जब गवर्नमेंट को रिपोर्ट प्रेषित किया, मतलब गवर्नमेंट को रिपोर्ट क्या किया, रिपोर्ट प्रेषित किया। देखिए रिपोर्ट में क्या आया, रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि ये जो आपका जो जितना भी आग लगा है, ये किस कारण से हुआ है, ठीक है, ये किस कारण से हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ये आपका सबसे, मतलब ये उन्होंने जांच करने के बाद बोले कि ये तोड़फोड़ जो आपका जितना भी हुए है, ये जो आपका तोड़फोड़ के परिणाम स्वरूप हुआ, अर्थात दंगाबाजों ने क्या किया, तोड़फोड़ करके पूरा आग लगा दिया, इसीलिए मतलब सबसे बड़ा जो कारण है, ठीक है, जाँच आयोग ने इसे तोड़फोड़ का परिणाम बताया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोले कि भविष्य में ऐसा घटना ना हो, अर्थात फ्यूचर में ऐसा घटना ना हो, इसीलिए क्या है, ये सब घटना को रोकने के लिए एक सुरक्षा बल का ज़रूरत है, क्या है, एक सुरक्षा बल का ज़रूरत है, ठीक है, सुरक्षा बल का ज़रूरत है। तो इसीलिए क्या है, तब एक सुरक्षा बल का ज़रूरत का बात हुआ, ठीक है, अर्थात जैसे उनको क्या होगा, औद्योगिक का तकनीकी पता रहेगा, ठीक है, तो औद्योगिक का जानकारी के बारे में जो पूरा पुष्ट होगा, तो ऐसा एक फोर्स चाहिए। तो इसी का फल स्वरूप क्या हुआ है, 2 दिसंबर, देखिए सबसे पहले क्या था, एक 1964 में जब आग लगा था, इस डेट को याद रखिएगा, बाकी ये एक डेट है, 2 दिसंबर 1968 को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, संसद से मतलब CISF के लिए एक एक्ट पारित किया, अर्थात जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स गठन करने के लिए संसद से क्या एक अधिनियम पारित किया। तो ये था आपका जो CISF गठन होने का पहले का आपका पूरा घटना, अर्थात आपको एक चीज़ पता रखना है, देखिए आपको अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया, कितना घटना आपको पढ़ा दिया,
जैसे आपको पूछेगा कि रांची स्थित जो आपका हैवी भारत हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में दंगा मतलब आग कब लगा था, तो आपको पता लग गया 1964 में सबसे पहले जो है भारत हैवी कॉरपोरेशन आपका जो प्लांट है उसमें रांची स्थित उसमें क्या हुआ आपको आग लगा था 1964 में। उसके बाद क्या है इसको जो जांच करने के लिए क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जांच कमेटी का गठन किया, उसका जो आपका जो अध्यक्ष था वो कौन था बी मुखर्जी। उन्होंने जांच किया और जांच करने के बाद ये बताया कि ये जो आग लगा है ये तोड़फोड़ के कारण है, तोड़फोड़ के परिणाम है, अर्थात दंगाबाजों ने तोड़फोड़ करके आग लगा दिया। और उन्होंने ये भी बोला कि इन फ्यूचर में अर्थात भविष्य में ऐसा घटना ना हो इसलिए एक ऐसा बल का गठन होना चाहिए जो औद्योगिक के बारे में पूरा जानकारी रखेगा, तो ऐसा एक बल का गठन करना चाहिए। और उसी का ऊपर डिपेंड करके क्या किया हमारा जो भारत का जो संसद है मतलब हमारा जो इंडिया का जो संसद है जो केंद्रीय सरकार जो संसद जो चलता है हमारा पार्लियामेंट, उसने क्या किया CISF औद्योगिक अधिनियम पारित कर दिया 2 दिसंबर 1968 को। ठीक है 1968 को इन्होंने पारित कर दिया। तो इसी तरह से क्या हो गया CISF का गठन हो गया। तो आपको एक चीज़ पता लग गया, देखिए मैं ये घटना के साथ साथ में कितना क्वेश्चन आपका कवर कर दिया, तो ये आपका हो गया। ठीक है अभी देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे CISF एक्ट एंड रूल। तो आज आपके लिए हम एक ही रूल लेके आए हैं मतलब एक ही एक्ट लेके आए हैं, इस एक्ट को पढ़ेंगे और इस एक्ट का बारे में पूरा ब्रीफली हमने क्या करेंगे पूरा डिस्कशन करेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट जो एक्ट नंबर है ना उसमें क्या बोले हैं कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कॉमेंसमेंट, इसका बारे में बताया गया है। देखिए एक नंबर अधिनियम का जो विषय है हिंदी में मतलब संक्षिप्त शीर्षक अर्थात संक्षिप्त नाम, कहाँ विस्तार है CISF का, कहाँ विस्तार है और ये कब प्रारंभ हुआ, इसका बारे में हम लोग आज जानेंगे। देखिए सभी बोलता है कि एक नंबर रूल में है क्या चीज़, इसका बारे में आपको बुक में तो मिल जाएगा मगर आपको समझ में नहीं आएगा, तो देखिए मैं आपको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले जो आपका एक्ट एंड रूल में है आपको सबसे पहले मैं क्या बोला शॉर्ट टाइटल अर्थात ये जो इस मतलब जो आपका जो इसका नाम क्या है आपका एक्ट का नाम क्या है, जो CISF जब बना उससे पहले जो एक्ट बना एक्ट का नाम क्या है, संक्षिप्त नाम क्या है, तो इसका एक्ट का नाम है देखिए इंग्लिश में बोलता है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968। ठीक है अर्थात हिंदी में क्या है इसको क्या बोलता है इसका संक्षिप्त जो शीर्षक क्या है संक्षिप्त नाम क्या है इस अधिनियम का, इस अधिनियम की केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 कहा जाता है अर्थात कहा जा सकता है। ठीक है तो ये हो गया आपका जो शॉर्ट टाइटल अर्थात आपका जो बी मुखर्जी जो आपका मतलब जो कमीशन रिपोर्ट दिया उस रिपोर्ट का आधार पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आपका संसद से जो आपका CISF एक्ट एंड रूल पारित किया जो अधिनियम पारित किया उस अधिनियम का नाम क्या है, उस अधिनियम का नाम है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968। तो मैं आपको बढ़िया से समझा दिया कि संक्षिप्त टाइटल क्या है। उसके बाद देखिए एक्सटेंड ये जो बनाया ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पार्लियामेंट से जब ये इतना घटना घटने के बाद जब इसको बनाया तो ये कहाँ कहाँ काम करेगा इसका बारे में एक जानकारी दिया। इसका बारे में क्या जानकारी दिया देखिए बोला है कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। देखिए ये क्या था इन्होंने बोला कि ये पूरी भारत में क्या होगा ये फैला हुआ होगा अर्थात ये जो लागू होगा पूरा भारत में लागू होगा। ठीक है अर्थात ये जो CISF एक्ट एंड रूल जो आपका CISF अधिनियम 19 जो आपका 68 का जो अधिनियम कहाँ कहाँ लागू होगा पूरा भारत में लागू होगा। ठीक है अभी देखिए इसका जो हमने क्या पढ़ा ये मतलब क्या पढ़ लिया पढ़ा प्रारंभ ये कब से प्रारंभ होगा। ठीक है देखिए 1968 में क्या किया पार्लियामेंट में इसका घोषणा कर दिया कि ये आपका क्या हो गया मतलब हमने क्या पार्लियामेंट ने क्या किया संसद ने क्या किया CISF का अधिनियम को पारित कर दिया। मगर ये CISF ने कब अपनाया था इसको तो क्या क्या बोले देखिए क्या बोला
बोला इट सेल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट। ठीक है, अर्थात देखिए 10 मार्च 1968, अभी देखिए मैं हिंदी में समझाता हूँ, ये उस तारीख को लागू होगा जो केंद्रीय सरकार कार्यालय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगा। अर्थात हमने क्या हो गया, एक चीज़ पता लग गया, हमारा जो CISF का जो संगठन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में है। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन आता है कि CISF किसका अंडर में है, तो आपको इधर पता लग गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार का अंडर में हम लोग CISF है। क्या हो गया, देखिए 1968 में जब पार्लियामेंट पास कर दिया, अधिनियम तो पास किया, मगर उन्होंने क्या बोला कि केंद्रीय सरकार डिसाइड करेगा कि ये कब से काम में लिया जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या करेगा, केंद्रीय सरकार एक गैजेट, मतलब एक ऑफिशियल गैजेट जारी करेगा। उस गैजेट में क्या होगा, उस जो ये जो पारित किया हुआ जो आपका जो जो भी अधिनियम है उसको, मतलब अधिनियम बनाने के लिए जो भी बिल है उसको अधिनियम बनाने के लिए, तो 10 मार्च 1960 को, मतलब 1969 को, जिस दिन आपका 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस माना जाता है, उस दिन से ये क्या किया, मतलब इस एक्ट को मतलब अपनाया गया। ठीक है, CISF में अपनाया गया। तो देखिए मैं आपको क्या समझाया अभी तक मैं आपको समझाया कि देखिए जो हमारा, जैसे मैं आपको एक बार रिवीजन कर देता हूँ क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले आपका हुआ कि 1964 में क्या हुआ, जो बिहार स्थित जो उस टाइम पे रांची में, मतलब रांची उस टाइम बिहार में था, ठीक है, जो आपका हेवी, जो भारत हेवी इंजीनियर कॉरपोरेशन था, उसमें क्या हुआ, एक दंगा बन जाता है। दंगाबाजों ने क्या किया, उसमें बहुत सारा तोड़फोड़ किया और आग लगा दिया। तो उसी आग जब लग गया उसमें क्या हुआ, जो आपका सरकार का बहुत लॉस हुआ, उस लॉस को जांच करने के लिए एक जांच कमीशन का गठन किया। उन्होंने जांच किया, जो जांच कमीशन में कौन आया, बी मुखर्जी नाम का एक न्यायाधीश था, उन्होंने जांच करके बताया कि ये क्या हुआ, ये जो मतलब सुरक्षा का कमी है, दंगाबाजों ने क्या किया, इसको तोड़फोड़ से ये सब हुआ है, तोड़फोड़ मचाया, इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो उन्होंने बताया कि ये सब घटना को आगे रोकने के लिए क्या करना है कि ऐसा एक फोर्स का गठन करना है, ऐसा एक बल का गठन करना है जिसको पूरा औद्योगिक या प्लांट का बारे में जानकारी हो और उन वो क्या है पूरा बढ़िया से उसका सुरक्षा दे पाए। तो तभी क्या हुआ, संसद ने 1968 को क्या किया, एक अधिनियम पारित किया और उसका नाम दिया CISF अधिनियम। ठीक है, CISF अधिनियम 1968, उसमें बताया गया कि उस CISF का जो क्या नाम होगा, बोला कि बोल दिया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1968, और कहां कहां काम करेगा वो भी बोल दिया कि पूरा भारत में काम करेगा। साथ में क्या है कि जो वो जो काम करेगा, मतलब काम करने के बाद जो वो कब से CISF में कब से लागू होगा उसका बारे में भी एक डेट बता दिया गया। ठीक है, तो इसमें आपको पता लग गया कि CISF क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में है, किस घटना का क्रम से CISF का उत्पत्ति हुआ उसका बारे में भी जानकारी हो गया। तो देखिए हमारा जो आज का क्लास आपको कैसे लगा, पक्का कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगने से लाइक करिएगा, और अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास इतना तक ही था, जय हिंद जय भारत।